हेलो दोस्तों, आज हम आटे से बिल्कुल हेल्दी सा बिस्कुट बना के घर पर तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं बिस्किट एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है और बनाना बहुत ही आसान है। और इसे एक बार बनाने के बाद आप इसे महीने भर स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आटा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप आटा ले लिया है। तो आप कोई भी कप में मेज़रमेंट करके ले सकते हैं। और इसके साथ हम डालेंगे 1/2 कप सूजी। तो जिस कप में मैंने लिया था आटा, उसी कप में 1/2 कप सूजी लेना है। सूजी थोड़ा सा पतला लेना है, अगर पतला नहीं है तो आप मिक्सर जार में थोड़ा सा पीस लेना है, पीस के इसमें डाल देना है। तो फिर इसमें मैं डाल देता हूँ 1/2 छोटा चम्मच नमक और इसके साथ 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। तो चलिए एक बार अच्छा से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम दूसरा कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करेंगे, जैसे कि सोडा और बेकिंग पाउडर वगैरह ऐड नहीं करेंगे। मिक्स करने के बाद हम डायरेक्ट इसमें ऑयल यानी कि तेल ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल मैंने 50 ml लिया है, 6 टेबल स्पून डाला है इसमें। तो चलिए अभी अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से इसका कंसिस्टेंसी आना चाहिए। तो यहाँ पर एक दूसरा बर्तन हम ले लेंगे। तो इसमें हम ले लेंगे 1/2 कप चीनी। जिस कप में हमने आटा और सूजी लिए थे, उसी कप में 1/2 कप चीनी ले लिया है। और 1/2 कप हमें डाल देना है पानी। पानी को हल्का सा गर्म कर लेना है, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्का सा गर्म करके इसमें आपको डाल देना है। तो चलिए हल्का सा मिक्स कर लेते हैं चीनी को। एकदम मिक्स नहीं करना है, बस हल्का सा मिक्स करना है। चीनी जैसे आधा सा गल जाए तो फिर क्या करना है, चीनी को फिर लेके स्पून का सहायता से इसमें मिक्स कर देना है आटा के साथ। देखिए कुछ इस तरह से। तो जितना चीनी आए उतना चीनी आपको इसमें डाल के इसमें मिक्स कर लेना है। तो चलिए एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो जब हम इसे बना के तैयार करेंगे तो आप देखेंगे बाद में कि बिस्किट का ऊपर इस चीनी का जो दाना है ना, वो दिखाई देगा। तो जो भी चीनी था इसमें मैंने सारे ले लिया है और अच्छे से एक बार मिक्स कर लिया है। तो अभी इसी पानी को हम इसमें ऐड करके चलिए इसे हम गूंद लेते हैं। तो इसके डो थोड़ा सा कड़क रखना है, ज़्यादा नरम नहीं करना है। तो यहाँ पर जो मैंने 1/2 कप पानी लिया था, इसे 2 बार करके इसमें ऐड कर लेना है। फिर हम आटा को अच्छे से गूंद के तैयार कर लेना है। तो इसे ज़्यादा पानी हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें चीनी भी डाला हुआ है, तो क्या है कि बाद में ये मतलब पानी इसमें रिलीज होता है। तो इसलिए मैंने 1/2 कप पानी जो डाला था ये एकदम बराबर हो गया है। अगर आपने क्वांटिटी में थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, अगर ज़्यादा कड़क हो रहा है, तो आप थोड़ा बहुत पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से गूंद के इसे तैयार कर लिया है। इसे कोई रेस्ट नहीं देना है, बस आपको डायरेक्ट इसे बेल लेना है। तो सबसे पहले चलिए इसको आराम से हल्का सा थोड़ा सा रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पर बीच में हम काट लेते हैं, 2 हिस्सों में सेपरेट कर लेते हैं। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप 3 या 4 हिस्सों में काट के सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जिसमें हम बेलेंगे ना, तो इसमें पहले सबसे पहले क्या करना है, थोड़ी सी ऑयल आपको अप्लाई कर लेना है, रिफाइंड तेल। तो क्योंकि इसमें हम आटा के मैदा इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसे बेल के हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से प्रेस कर दीजिए पहले, फिर हम चलिए इसको बेल लेते हैं। तो मैंने जैसे बोला, जो थोड़ा सा मोटा ही आपको रखना है, जैसे बिस्किट आता है ना थोड़ा सा मोटा, तो मोटाई में आप रखेंगे। तो कुछ इस तरह से हम बेल के देखिए तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं वो इतना मोटा ही रखना है। तो चलिए अभी चारों तरफ इसे हम काट लेते हैं। अगर आपको राउंड शेप बनाना है तो आप ग्लास में भी डायरेक्ट इसे प्रेस करके छोटा छोटा आप पूरी जैसे आप निकाल सकते हैं, तो वो राउंड शेप में हो जाएगा। और जो बाकी हमने साइड काट के निकाल दिया ना, तो बाद में इसे आपको फिर से गोंद के इस तरह से बेल के आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर टाइप का बिस्किट बनाया है, बहुत ही सिंपल है, तो आपका हिसाब से बना सकते हैं। तो इसे बीच में आपको काट के इसे स्क्वायर शेप में कर लेना है। तो आप मोटाई चेक कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब ज़्यादा पतला नहीं करना है कि ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो चलिए इसे बिस्किट शेप देने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ चाकू को उल्टा करके इस तरह से आपको थोड़ा सा प्रेस कर लेना है, देखने में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने जितना पहले फ्राई करेंगे उतना मैंने यहाँ पर तैयार करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अभी हम फ्राई करते हैं। तो ऑयल का टेम्परेचर देखिए आपको मीडियम पे ही रखना है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं करना है, उससे क्या होता है कि जल्दी मतलब ब्राउन हो जाता है, तो बिस्किट ठीक से आपका फ्राई नहीं होगा, मतलब क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो बाद में ये क्या होगा कि ये आप जब खाएंगे ना तो ये मुँह में चिपकेगा, तो इसलिए आपको बिल्कुल मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करना है। तो जैसे ही एक साइड थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपको इस तरह से पलट देना है ताकि दूसरा साइड भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो जैसे बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, कम से कम 8 से 10 मिनट तक इसे आपको फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला बैच हमारा फ्राई होके तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा हमारा बनके यहाँ पर बिस्किट तैयार हो चुका है, खाने में भी बहुत ऐसा लगता है दोस्तों।
तो आप ज़रूर बना कर देखिएगा, बिल्कुल हेल्दी ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमने पहला बैच फ्राई कर लिया है, तो दूसरा बैच जितना भी आपने बनाया होंगे तो बैच बाई बैच आपको फ्राई कर लेना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर बिस्किट फ्राई करके तैयार कर लिया है, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो आप बाज़ार से ख़रीदते इसे आप बना के आराम से घर पर स्टोर करके रख सकते हैं, और कभी भी खाने को मन करे चाय के साथ आप इसे खा सकते हैं, और कभी भी स्नैक्स खाने को मन करे तो बच्चों को आप दे सकते हैं। बिल्कुल हेल्दी लगता है ये खाने में, तो आप देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है दोस्तों। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा हो तो रेसिपी को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए फिर मिलेंगे और एक बढ़िया सा रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।